यस प्यारे बच्चों, आज आपको एक क्वेश्चन मैग्नेटिज्म सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 पूरा फोकस करें। बहुत बेहतर क्वेश्चन है। टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर इस क्वेश्चन का हर बच्चे के द्वारा कर लेना बिल्कुल तय है। सिंपल क्वेश्चन एकदम। यस प्यारे बच्चों, ओनली वन क्वेश्चन सॉल्यूशन इन दिस वीडियो। टू पैरेलल वायर्स आर इन प्लेन ऑफ पेपर। वो प्लेन ऑफ पेपर इस वक्त प्लेन ऑफ ग्रीन बोर्ड है, आप करोगे तो प्लेन ऑफ पेपर होगा। आर डिस्टेंस एक्स नॉट अपार्ट, एक्स नॉट अपार्ट, ए पॉइंट चार्ज इज मूविंग विद स्पीड यू बिटवीन द वायर इन द सेम प्लेन एट ए डिस्टेंस एक्स वन फ्रॉम वन ऑफ द वायर एक्स वन। ए यहां यू स्पीड से इसी प्लेन में चल रहा है, तो दूसरे वायर से डिस्टेंस बचेगी इसकी एक्स नॉट माइनस एक्स वन। फील्ड इस करंट कैरिंग वायर या तो अंदर होगा या बाहर होगा, इसकी वजह से भी या तो बाहर होगा या अंदर होगा, दोनों के कारण कुल मिला के फील्ड अगर वो कैंसिल नहीं हो रहा है या तो होगा बाहर या होगा अंदर। पार्टिकल को कह रहा है वो इसी प्लेन में चलने के लिए, अर्थात ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करना करेगा, ऐसी व्यवस्था यहां है। व्हेन द और दूसरा जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर चलता है फील्ड के तो क्यू वी वी ओनली ये फोर्स का साइन 90 बन जाता है और ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर का काम करता है और पाथ सर्कुलर पाथ पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ एक्वायर कर लेते। सिंपल कॉन्सेप्ट। व्हेन द वायर्स कैरिंग करंट ऑफ मैग्नीट्यूड आई इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में आई करंट फॉलो हो रहा हो तो इसकी वजह से फील्ड वहां इनसाइड और इसकी वजह से आउटसाइड ऐसा होगा। ठीक, सेम डायरेक्शन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ आर वन। इन कॉन्ट्रास्ट इफ द करंट आई इन टू वायर्स हैव ओपोजिट डायरेक्शन देन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एक्स नॉट अपॉन एक्स वन वैल्यू दे रखी है, आर वन अपॉन आर टू की वैल्यू जानना चाहते। सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों। इस समय यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट केस के लिए बी वन कह दीजिए, एक लंबे वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर, आई अपॉन डिस्टेंस है एक्स वन। ये आगे रेशियो उसने क्या रखा है, एक्स नॉट अपॉन एक्स वन इज थ्री, यानी कि एक्स वन इज एक्स नॉट अपॉन थ्री, ये थर्ड पार्ट यानी इससे ज्यादा क्लोज, इसकी वजह से फील्ड यहां ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये फील्ड हो गया इस वायर की वजह से अंदर की तरफ और इस वायर की वजह से होगा बाहर की तरफ, उसे माइनस कर देंगे क्योंकि वो वी की भी होगा। म्यू नॉट अपॉन टू पाई सेम करंट है पर डिस्टेंस है एक्स नॉट माइनस एक्स वन, सो म्यू नॉट आई एंड अपॉन टू पाई कॉमन, वन अपॉन एक्स वन माइनस वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स वन, इसे इतने रहने। ओके, और जब दूसरा यस दूसरा केस द ओपोजिट डायरेक्शन होगी ऑल्सो बी टू, क्या फर्क पड़ेगा, इसके स्पीड तो नहीं रहेगा
और इसकी वजह से फील्ड वो भी अंदर की तरफ होगा, होगा इतना ही, यानी कि प्लस हो जाएगा, कितना फर्क पड़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई वन अपॉन एक्स वन ओनली प्लस वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स, दोनों फील्ड जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, बस ये देखना आ रहा था, दिख रहा नहीं दिख रहा, इट्स ओके। इतने तो तुम समझदार बच्चे हो, इतना कोऑपरेट करते हैं। यस, जब सेम डायरेक्शन में फील्ड इतना है, ओपोजिट डायरेक्शन में करंट्स हैं तो फील्ड इतना है। इस फील्ड में चार्ज पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ एक्वायर कर रहा है वो आर वन है, और इस केस में आर टू, और इस को हम जानते हैं बढ़िया तरीके से, आर का फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू वी। ओके, सो आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी। एम एक जैसा है, बी एक जैसा है, क्यू एक जैसा है, बस पहले केस में बी वन है, दूसरे केस में बी टू। नाउ देख रहा ना क्लियर, तो क्या समस्या खड़ी हो जाती है। लीजिए, प्लीज कॉपरेट। और इज इक्वल टू बी टू अपॉन बी वन, और बी टू अपॉन बी वन करोगे तो ये सारा पार्ट कैंसिल, बी टू का ये बचेगा वन अपॉन एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन होल डिवाइडेड बाई, और बी वन का ये बचेगा वन अपॉन एक्स वन माइनस वन अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स। कंटिन्यू, जो एलसीएम ऊपर वाला आएगा वो नीचे वाला आएगा, कैंसिल, ऊपर एक्स नॉट माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन, सो ओनली एक्स नॉट, एंड हेंस एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वन, एक्स वन से डिवाइड डिनोमिनेटर इन बोथ वन अपॉन वन माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स नॉट, वन अपॉन वन माइनस ट्वाइस ऑफ दिस इज एक्स वन अपॉन एक्स नॉट, एक्स नॉट अपॉन एक्स वन थ्री है तो एक्स वन अपॉन एक्स नॉट वन अपॉन थ्री टू अपॉन थ्री, वन माइनस टू अपॉन थ्री वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू थ्री आंसर। तो ये था कौन सा कॉन्सेप्ट, आपको इसका पता होना चाहिए था, लंबे वायर की वजह से फील्ड कितना होता है और किस डायरेक्शन में होता है, नंबर एक कॉन्सेप्ट। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज परपेंडिकुलर मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ एक्वायर करेगा, रेडियस होगी एम वी अपॉन क्यू बी, और बाकी टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कहने को कॉम्पिटिशन में आ रखा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूं कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बिल्कुल एक नॉर्मल क्वेश्चन। Okay?